हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा क्या है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 7 और सेकेंड इक्वेशन ए बी की फॉर्म में दे रखी है, हमें साथ में एक्स और वाई के कोफिशियंट भी हैं। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या पुट की जाए कि जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं बेटा, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोई इंसिडेंट करती है, लाई करती है, तो क्या होते हैं हमारे इनफाइनाइट मैली सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या होती है उसमें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज हमारी 3.5, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। इक्वेशंस देख लेते हैं बेटा क्या गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, 2x + 3y = 7 और सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, a - b (x) + a + b (y) = 3a + b - 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो राइट हैंड एलिमेंट है उनको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, बेसिक इक्वेशन बनाएंगे 2x + 3y - 7 = 0। यहाँ पे क्या होगा बेटा, a - b (x) + a + b (y) - इस कंप्लीट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे ब्रैकेट्स में 3a + b - 2। अब इनको कंपैरिजन करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है, वो आपको अच्छे से आती है। x का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन से होगा तो a1 कितना होगा 2, B1 जो होगा वो कितना होगा बेटा 3 और C1 क्या होगा बेटा -7। इस इक्वेशन से a2x का कोफिशेंट क्या है बेटा, a - b, ब्रैकेट लेके चलेंगे। b2 क्या है बेटा, a + b, तो a + b लेंगे बेटा। और c2 क्या है हमारा, माइनस का 3a + b - 2। अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एक बार, आप बुक में साथ रखा करें NCERT की, वहाँ से देखिए बेटा क्या बोला है उसने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे a1/a2, a1 क्या है हमारा 2 अपॉन में, a2 क्या है बेटा a - b = b1 क्या है 3, b2 क्या है a + b = c1/c2, c1 क्या है -7 अपॉन में -3a + b - 2। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे। तीन इक्वेशन मान ली, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को थर्ड से, क्योंकि तीनों में इक्वल साइन है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है 2/a - b = क्या है 7/3a + b - 2, ये इक्वेशन गिवन है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 की 3a से मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा 6a, 2 की b से मल्टीप्लाई की तो प्लस का 2b, 2 की -2 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 4 = 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a माइनस का 7b। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया 6a - 7a + 2b + 7b = -4, राइट हैंड साइड गया तो +4। 6a - 7a लार्जर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का a बच गया, 7 और 2 9b = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये यहाँ पे इक्वेशन वन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 3/a + b = किसके 7/3a + b - 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया बेटा 9a, 3 की b से मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 3b,
3 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई की तो माइनस 6 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 7a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 6 को राइट हैंड साइड, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस का 7b इक्वल टू 6। ये लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस हो गया, 7a भी लेफ्ट हैंड साइड आया तो नेगेटिव हो गया। 9a में से 7a गया बेटा 2a, यहाँ पे माइनस का 7b प्लस का 3b है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 4b इक्वल टू 6। तो क्या आ गई इक्वेशन, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे इसको 2a को तो a बच गया, माइनस 4b को डिवाइड किया तो 2b बच गया, और यहाँ पे 3 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या करना है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी लगता है बच्चों को, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू 3। क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड कर देंगे इनको क्योंकि दोनों साइन अपोजिट हैं, ये कैंसिल आउट, 9b में से 2b गया तो बेटा कितना बच गया, 7b इक्वल टू 4 और 3 ऐड किया तो 7, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/7 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, पुट बी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में 2 में जिसमें भी आपकी इच्छा हो। तो क्या है इक्वेशन 1, माइनस ए प्लस 9b है, 9 इंटू बी की वैल्यू 1 इक्वल टू 4, माइनस ए प्लस 9 इक्वल टू 4, माइनस ए इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 9 है, लार्जर वैल्यू माइनस है तो माइनस साइन, 9 में से 4 गया 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 5, बी की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।